आ गया। चार तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जहां पर दिशा को इंसाफ मिला है। हैदराबाद के हैवानों का एनकाउंटर कर दिया गया। एक तरफ जहां सबसे पहले यहां मृत्युदंड यानी कि फांसी की मांग इन आरोपियों को लेकर की जा रही थी, पूरे देश में गुस्सा था और लगातार ये मांग हो रही थी कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो और सख्त से सख्त सजा देते हुए फांसी इन्हें दी जाए। वहीं जहां एनकाउंटर किया गया है, ये वही जगह है जहां पर दिशा को जलाकर मार दिया गया था, गैंगरेप जैसी जघन्य घटना को अंजाम देकर इन आरोपियों की तरफ से। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पूरे सीन को रिक्रिएट करने के दौरान भागने की कोशिश इन आरोपियों की तरफ से की गई और उसके बाद अंजाम दिया गया है। वहीं लगातार जनता की जो प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही हैं, जहां पर ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये न्याय प्रियंका के साथ, दिशा के साथ हुआ है और इसी तरीके से तमाम आरोपियों के, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता, जो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ साथ लोगों के रिएक्शन आखिर किस तरीके के हैं। हमारे साथ भवानी भाटी जुड़े हुए हैं, रौनक हमारे साथ है बीकानेर से, इसके अलावा अशोक भाटी हमारे साथ यहां पर और साथ ही साकेत गोयल हमारे साथ। वापस मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर मैं आपका रुख करूं भवानी, आखिर देखा जाए इस तमाम स्थितियों को, जिस तरीके की सिचुएशंस बनी और पुलिस अब ये कह रही है कि भागने की कोशिश थी इसलिए हमने अपने बचाव में इस कार्रवाई को अंजाम दिया, आखिर इस स्टोरी का बैकफुट क्या है, क्या कुछ सिचुएशंस इसमें होंगी, वो उन तमाम चीजों को अगर छोड़ दिया जाए, परसेप्शन लोगों का आखिर किस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या अब आने वाले वक्त में जो भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं या जो भी अपराधी हैं उन पर इस तरीके से कार्रवाई हो? बिल्कुल सुमित, जिस तरह का गुस्सा इस घटना के बाद लोगों में था, तो आज जो घटनाक्रम जो हैदराबाद पुलिस द्वारा जो एनकाउंटर किया गया था उसके बाद कहीं न कहीं जो लोगों में है वो खुशी देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो हम जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो कि संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ के कैन कॉलेज के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर जो छात्राओं ने प्रतिक्रिया दी थी, कॉलेज के जो प्रेसिडेंट है रविंदर सिंह, उन्होंने और अपने समर्थकों के साथ यहाँ छात्राओं के साथ है जो अभी आतिशबाजी करके खुशी इजहार किया था इस घटनाक्रम को लेकर के, उनसे जानेंगे क्या मानते हो आप हैदराबाद पुलिस की इस कार्रवाई को? सबसे बड़ी कार्रवाई है और मैं मानता हूं कि आज बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि है और यही श्रद्धांजलि है। आज संविधान, हमें लग रहा है कि हाँ हमारा संविधान जीवित है। आज ये जो कर्म जो हमारे हैदराबाद पुलिस द्वारा किया गया है, अगर नहीं भागते फिर भी गोली मार देनी चाहिए और ऐसे दरिंदों की हमारे समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार इसको लेके कठोर से कठोर कार्रवाई करे और एक कानून बनाए ताकि हमारी बच्चियाँ हमेशा सुरक्षित रहे। और मैं बच्चियों को भी आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि सेल्फ डिफेंस के जो है कोर्सेज वो कीजिए और आप खुद को इतना मजबूत बनाइए कि ऐसे दरिंदों की हिम्मत ही नहीं पड़े कि आपके सामने आँख उठा के बात कर सके। मेरे साथ में कुछ बच्चे भी हैं, आपसे जानना चाहूंगा क्या मानते हो आप इस कार्रवाई को? हैदराबाद पुलिस ने जो काम किया है वो सराहनीय है। ऐसा काम हर मतलब किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो और पुलिस ये एक्सेप्ट मतलब ये कदम उठाए तो किसी भी लड़की के साथ ऐसा होगा ही नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है। हम पूरी कॉलेज के छात्र है बहुत खुश है इससे कि उनका एनकाउंटर हुआ है। और जाहिर है आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं हैदराबाद पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा, रोजमर्रा की जिंदगी में जहां पर उम्मीद की जाती है कि अगर कानून का राज है तो सख्त कार्रवाई होते हुए जो इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग हैं उनके जहन में